स्टूडेंट्स आप में से किसी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और उसके एक्सेप्शन में डाउट था सो यर आई एम विद वीडियो ऑन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन ट्वेंटी सेवन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू एंड इट्स एक्सेप्शन एक्सेप्शन्स पढ़ने से पहले हम एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता क्या है वो समझ लेते हैं एंड वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट नाउ एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड दे आर वाइड अब ये होता क्या है लेट से एक्स टेल्स वाई ये मेरा एरिया है यहां पर सिर्फ मैं ही बिजनेस कर सकता हूँ तू तेरा बिजनेस बंद करो और इधर से जा दो लाख रुपए ले और अपनी शक्ल मत दिखाना सो एक्स इज गिविंग टू लैख रुपीज टू वाई एंड आस्किंग हिम टू शट हिज शॉप क्लोज इज बिजनेस एंड मूव अब यहाँ पर लॉ बोलता है देखो आप किसी को ऐसे लॉफुल बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन करने से रोक नहीं सकते हो इंडिया फ्री कंट्री है आप आपको जो चाहिए आप वो बिजनेस लॉफुल बिजनेस कर सकते हो ऐसे रिस्ट्रेनिंग एग्रीमेंट्स दे आर वॉइड सो दे आर एक्सप्रेसली वॉइड लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं ंडर दीज एक्सेप्शनल केसेस हाँ हम मानते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है लेकिन वो वैलिड है अगर टर्म्स रीजनेबल हुए तो सब में कॉमन पॉइंट है टर्म्स मस्ट बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल सबसे पहला है इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल अच्छा गुडविल क्या होता है गुडविल इज नथिंग बट द गुड नेम रेपटेशन ऑफ द बिजनेस नॉलेज से कि एस सेलर है इसने अपना बिजनेस बी बायर को बेच दिया ठीक है लेट्स से कि ये एक गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस था बायर बोलता है सेलर को देख सेलर अगर तू ऐसा ही बिजनेस ये एरिया में स्टार्ट करेगा तो फिर मेरे पास कौन आएगा सब तुझे जानते हैं सब तो तेरे पास ही आएंगे ना अगर मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ तेरी गुडविल के साथ खरीद रहा हूँ तेरे कस्टमर्स मेरे पास आने चाहिए ना, तू सेम सिमिलर बिजनेस यहाँ पर करेगा तो मेरे पास कौन आएगा प्लीज एटलीस्ट ये एरिया में तू बिजनेस मत करना तो बायर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन डाल देता है ऑन द सेलर एंड ही टेल्स द सेलर नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी सो लोकेलिटी रीजनेबल होनी चाहिए ऐसा नहीं होनी चाहिए कि यू के नॉट कैरी योर बिजनेस एनी वेयर फॉर एवर इन इंडिया वो नहीं चलेगा पूरे इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते वो नहीं चलेगा तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि तुम बिजनेस ये एरिया में नहीं कर सकते बाकी किधर भी कर लो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है लेकिन वैलिड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दो चीज़ें हो सकती हैं सबसे पहली बात जब वो पार्टनर्स हैं ठीक है थीके? आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोल लो या वाइल देवर पार्टनर्स कुछ भी लिख सकते हो जब वो पार्टनर्स हैं तो हम उन्हें बोलेंगे कि भाई तुम एक काम करो तुम ना जब पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो प्लीज इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कोई और दूसरा नया बिजनेस मत स्टार्ट करो तो ड्यूरिंग पार्टनरशिप जैसे यहां पर मैं लिख देती हूं कंटिन्यूंस में तुम कंटिन्यू कर रहे हो अपनी पार्टनरशिप का बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो और कोई नया बिजनेस मत करो तो पार्टनर्स आपस में ही रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं एग्रीमेंट से रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि हम पार्टनर्स जब तक बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप का बिजनेस करें वो अपना खुद का सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है लेकिन वैलिड है दूसरी बात जब फर्म में से कोई रिटायर हो जाता है ठीक है तो वो केस में हम बोल सकते हैं जैसे एक्स वाई जेड दे आर थ्री पार्टनर्स जेड रिटायर हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि देख सेड तू फर्म के जैसा सिमिलर बिजनेस ये एरिया में इतने टाइम पीरियड तक मत करना तो हम उसे सिमिलर बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड एरिया में करने से रोक सकते हैं दैट इज बिकॉज इफ ही लीवस द फर्म ही विल स्टार्ट अ कम्पीटिंग बिजनेस एंड वी डोंट वॉन्ट दैट हम नहीं चाहते कि वो कम्पीटिंग बिजनेस करें तो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस भले रिस्ट्रिक्शन है लेकिन वैलिड है तो हम आउट गोइंग पार्टनर को क्लियरली बोल सकते हैं कि आप फर्म छोड़ने के बाद इतने टाइम तक ये एरिया में सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे सेम एल में भी है ऐसा कोई अलग से प्रोविज़न नहीं दिया है लेकिन हाँ एल में भी पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम जब बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कोई बिजनेस अगर छोड़ के जा रहे है, कोई आउट पार्टनर है तो वो सिमिलर बिजनेस ये एरिया में इतने टाइम तक नहीं करेगा ट्रेड कॉम्बिनेशंस अब ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं नाउ लेट से फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे डीलर्स हैं ठीक है वो किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो वो किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं अब मान लो कि वो प्रोडक्ट का प्राइस पता नहीं क्यों कम ही होते जा रहा है ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है ठीक है उस प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना कि अगर सप्लाई ज़्यादा है उतनी डिमांड है ही नहीं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम होता जाता है तो यहाँ पर भी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट वॉज फॉलिंग रैपिडली तो सारे डीलर्स मिले उन्होंने सोचा कि प्राइस तो अभी कम होते जा रहा है क्या करें एक काम करते हैं थोड़े दिन तक हम मार्केट में सप्लाई नहीं करते ठीक है तो क्या होगा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से पहले वो बिकेंगे फिर थोड़ा डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाएगा ना फिर हम सप्लाई करने लगेंगे मैं होर्डिंग या ऐसे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ ये जो ट्रेड कॉम्बिनेशन है ये अपने बिजनेस को संभालने के लिए अपने बिजनेस का को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं इट्स इन गुड फेथ क्शन आर वैलडर थोड़ा सा प्राइस बैलेंस नुकसान नहीं होना चाहिए ना सेलर को दैट इज वैलिड ये ट्रेड कॉम्बिनेशन वैलिड है सर्विस एग्रीमेंट मैंने एक मैनेजमेंट ट्रेनी अपॉइंट किया है ठीक है अब मैं उसे ट्रेनी बुलाती हूं लेकिन वो Uh, मेरे रोल्स पर है बिजनेस में काम करेगा लेकिन पहले साल मैंने उसको बोला भाई तू एक काम कर तू अभी नया नया आया है तू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कि तू सीखने के बाद मेरे पास दो साल तक काम करेगा अब सुनो मैं उस पर इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं उसको सब सिखा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ ना कि मुझे उसका थोड़ा बेनिफिट मिले सो आई वॉन्ट दैट मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू वर्क विद मी फॉर एटलीस्ट टू ईयर्स सो आई गेट अ सर्विस एग्रीमेंट साइन फ्रॉम इट्स लाइक अ बॉन्ड That you will not leave the organization for two years. That is valid. So, you will obviously, if you are spending so much time and money in training, you will want some benefit from him. Although he cannot join some other business for those two years, there is some restriction, but it's valid. The last exception is sole or exclusive dealing agreements or franchisee. These are sole traders' sole dealing agreements. Now, let's say that manufacturer sells his entire produce to mr. a only. he has told everyone that if you want my genuine products, there's just one dealer. you will find my goods with him. such sold or exclusive dealing agreements or such exclusive franchises, although they are restricting trade, restricting case, they're going to up. मैन्यूफैक्चर uh, एक ही को अगर गुड्स दे रहा है तो सबको उसी के पास जाना पड़ेगा और किसी के पास वो गुड्स है नहीं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन तो है ना लेकिन यहाँ पर ए पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो तो जितने लोगों को चाहे आगे सेल कर सकता है ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे जेन्यून गुड्स ही इसी के पास मिलेंगे आपको सच सोल डीलिंग और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स और फ्रेंचाइजीज इवन तो थोड़ा बहुत ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करते हैं बट दे आर वैलिड सो स्टूडेंट्स दिस वॉज़ अ वेरी क्विक वीडियो जहाँ पर मैंने आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है मुझे पता है एग्जाम्स सिर पर है आप भी बिजी रहोगे तो एकदम टाइम बाउंड मैनर में मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है जहाँ पर हमने डिस्कस किया एग्रीमेंट्स एंड रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है और उसके थोड़े से एक्सेप्शन्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक like शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रिफ्रेशिंग और अलग रिविजन लेक्चर्स लाने वाली हूँ सेवनटीन को हो रहे हैं अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक छोड़ देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आप डिटेल ज़रूर पढ़ लेना एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड योर फ्री वर्क बुक फॉर दोज रिविजन लेक्चर्स आई एल सी यू ऑन सेवेन्टीन विद माई रिविज़न लेक्चर सीरीज़ प्रयास